नमस्कार साथियों, वेलकम टू द यूनिक टेक गुरु चैनल। और आप सभी का स्वागत है। और आपकी पता होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आपका कंक्रीट स्टार्ट हो चुका था। ये आपका फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज आपका मेन टॉपिक रहेगा वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो वर्केबिलिटी होती है उसको, मतलब उसकी डेफिनेशन और किस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो देखा था। उसके बारे में आज डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वर्केबिलिटी से। वर्केबिलिटी, इसकी डेफिनेशन आपने देखी थी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन, यानी कि फुल कॉम्पैक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसी को क्या कहा गया है, वर्केबिलिटी कहा गया। वर्केबिलिटी आपको सिंपल डेफिनेशन बताया गया है कि ईज टू वर्क, यानी कितने आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, कितने आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि उसमें कितना लुब्रिकेशन है। उसमें कितना लुब्रिकेशन है, यानी उसमें वाटर का कंटेंट अगर अधिक है या सीमेंट अधिक है तो उसमें लुब्रिकेशन अधिक होगा, और तभी हमारे क्या होगा, आसानी से हम उसमें कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग और उसके साथ मिक्सिंग आसानी से कर सकते हैं। तो यही आपको क्या बताया गया, वर्केबिलिटी बताया गया, यानी कि कितने आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, उस वर्क यानी कि मिक्सिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, ये सब जो भी प्रोसेस है कितने आसानी से आप कर सकते हैं, वही बताया गया वर्केबिलिटी, यानी ईज टू वर्क। और आपको होता है कि वर्केबिलिटी जो होता है, आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, वर्केबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉम्पैक्शन एनर्जी, यानी कॉम्पैक्शन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर किसी भी कंक्रीट की मिक्सिंग में, प्लेसिंग में हमको ज्यादा कॉम्पैक्शन में, यानी उसके वॉइड्स निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो क्या होगी, उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो ज्यादा स्टेप है, ज्यादा हार्ड है, तो उसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें वाटर का कंटेंट बढ़ा देंगे या फिर कंक्रीट का रेशियो और बढ़ा देंगे, ये सब करते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड्स भी होता है, यानी कि वॉइड्स जैसे जैसे क्या होगा, वॉइड्स अगर ज्यादा होंगे तो वर्केबिलिटी क्या होगी, उसकी वर्केबिलिटी कम निकल के आएगी, यानी कि हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये हमने वर्केबिलिटी की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद हम देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ नहीं यानी कि वर्केबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये हम देख रहे थे, इसमें सबसे पहले आप कहा था वाटर कंटेंट, यानी कि वाटर कंटेंट कितना, वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे क्या हो, लुब्रिकेशन इंक्रीज करेगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो लुब्रिकेशन इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी हमारी ज्यादा निकल के आएगी। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट भी देखा था, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट यानी कि स्मूथ है या रफ है, स्मूथ है तो उसमें हमको ज्यादा लुब्रिकेशन मिलेगा, हमको जेल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ये क्या देगा, अच्छी वर्केबिलिटी देगा, मोर वर्केबिलिटी देगा कंपेरिजन टू रफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज में यानी कि राउंडेड है या एंगुलर है, राउंडेड है कि एंगुलर है, वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और वर्केबिलिटी जो होता है स्मूथ का, स्मूथ की वर्केबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू रफ, ये हम देख लिया। साइज ऑफ एग्रीगेट देख रहे, साइज ऑफ एग्रीगेट में क्या आएगा आपका, साइज ऑफ एग्रीगेट यानी कि एंगुलर है, एंगुलर है या आपका कैसा है, राउंडेड है, राउंडेड है कि एंगुलर, एंगुलर होगा तो हमको कम जेल की रिक्वायरमेंट होगी तो हमको ज्यादा वर्केबिलिटी मिलेगी, वहीं अगर राउंडेड है तो क्या हमको अच्छी वर्केबिलिटी देगा। ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट, एग्रीगेट का ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब है कि पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड यानी कि उसमें सेम साइज के एग्रीगेट आपको मिल रहे हैं, वहीं वेल ग्रेडेड का मतलब है कि आपको हर साइज के एग्रीगेट है, यानी बड़े भी हैं छोटे भी हैं तो उनके बॉडी से फिलअप हो जाएगा तो हमको जेल की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वर्केबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, ये हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया था मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, यानी वर्केबिलिटी को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, तो उसमें आपको कई टेस्ट दे रखे हैं, उन टेस्ट को हम परफॉर्म करके उसकी वर्केबिलिटी निकालते हैं और उसकी मतलब एक वैल्यू निकल के आती है कि लो वर्केबिलिटी सी कंक्रीट है या हाई वर्केबिलिटी है या मीडियम वर्केबिलिटी, इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है स्लंप टेस्ट, स्लंप टेस्ट, तो स्लंप टेस्ट में क्या होगा, ये मतलब जो आपका वर्केबिलिटी बताता है ये मीडियम टू हाई, हाई मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी आपको देगा। अब हाई वर्केबिलिटी या लो वर्केबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंक्रीट है जिसका, जिसमें वाटर का कंटेंट काफी अधिक है तो वो क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी काफी अधिक होगी, यानी आसानी से आप कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, आसानी से प्लेसिंग कर सकते हैं,
भाई एक वर्कबिलिटी है, लो वर्कबिलिटी है, यानी कि उसमें स्टिप ज्यादा, यानी वाटर का कंटेंट कम है, उसमें वॉइड ज्यादा है, एयर ज्यादा है, तो वो लो वर्कबिलिटी निकल गई। तो ये जो हमारा स्लम्प टेस्ट है वो किसके लिए सुटेबल है? मीडियम टू हाई वर्कबिलिटी। दिस इज कॉमनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम टू हाई वर्कबिलिटी, मीडियम से लेके हाई वर्कबिलिटी के जो कॉन्क्रीट होते हैं उनके लिए सुटेबल है। कौन सा? ये आपका स्लम्प टेस्ट निकल का। इसमें करते क्या वो भी देख लेते हैं। इसमें एक आपका मोल्ड रहता है, इसमें ऊपर 10 डाया रहता है, यानी यानी कि ये 10 सेंटीमीटर का डाया रहेगा, ये 20 सेंटीमीटर का डाया रहेगा, और ये जो लेंथ निकल के आती है वो कितनी आती है? 30 सेंटीमीटर। जो भी डायमेंशन यहाँ दे रखे हैं वो किसमें? सेंटीमीटर में है। ऊपर 10 सेंटीमीटर, नीचे 27 सेंटीमीटर, ये 30। तो आप सिंपली याद भी कर सकते हैं, 10 और 20 और ये हो गया आपका 30। इसके बाद यहाँ पर क्या लगे होते हैं? इनको पकड़ने के लिए हुक लगे होते हैं। तो इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा? कॉन्क्रीट हमारा नीचे फॉल करेगा। इसमें फिगर में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले करेंगे, पहले एक लेयर डालेंगे, फिर उसको हम प्रॉपर क्या करेंगे? कॉम्पैक्शन करेंगे, टेम्पिंग बार से इसको कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर हम सेकंड लेयर डालेंगे, फिर उसको कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर तीसरी लेयर डालेंगे। इस प्रकार हम तीनों लेयर को कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर जो ऊपर कॉन्क्रीट निकल के आता है उसको स्क्रीड आउट कर देंगे। तो वो जब निकल जाएगा तो प्लेन सर्फेस आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ऊपर उठाएंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो ये जो इसका कॉन्क्रीट है ये नीचे क्या करेगा? फॉल करेगा। तो कितना फॉल कर रहा है, यानी कि ये हमने, ये हमारा मोल्ड है, इस लेवल से कितना फॉल कर रहा है, ये जो वैल्यू होती है इसी वैल्यू कहा जाता है स्लम्प वैल्यू। इसी से हमको जो उसकी वर्कबिलिटी होती है वो हमको पता चलती है। यही आपका क्या निकल के आता है? स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट में क्या करते हैं? पहले एक लेयर डालते हैं, फिर दूसरी लेयर डालते हैं, फिर तीसरी लेयर, और कंटिन्यू कॉम्पैक्शन करते रहते हैं। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल से, पर्टिकुलर लेवल से कितना नीचे फॉल कर रहा है हमारा कॉन्क्रीट, वो जो लेंथ निकल के आती, जो जो आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या होगी आपकी? वही हमको क्या देगी? स्लम्प वैल्यू देगी। उसी के हिसाब से हम उसकी वर्कबिलिटी को भी डिफाइन करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर टेबल विजिबल हो रही होगी, इससे आप समझ सकते हैं ये क्या डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, यानी वर्कबिलिटी वेरी लो हो सकती है, लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, हाई हो सकती है, वेरी हाई। ये जो वर्कबिलिटी, अलग अलग वर्कबिलिटी है, इनका एप्लीकेशन भी अलग अलग, यानी अगर हाईवे पे यूज होगा तो वो वहाँ पर अलग वर्कबिलिटी होगी, और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज होगा तो वहाँ पर अलग वर्कबिलिटी होगी, सी वाटर होगा तो वहाँ पर अलग वर्कबिलिटी होगी। इस प्रकार यहाँ डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी दे रखी है। इसका स्लम वैल्यू जो निकल के आएगी, यानी पर्टिकुलर लेवल से कितना नीचे फॉल करेगा, वो यहाँ पे दे रख सकता है। अगर लो है तो 25 से 75 है, उसका 50 से 100, 25 से 75, 100, ये इसकी रेंज दे रखी है। और अगर 25 से कम निकल के आ रही है, यानी 25 सेंटीमीटर से आपका कम फॉल कर रहा है, तो क्या होगा? ये जो वर्कबिलिटी निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? वेरी लो वर्कबिलिटी निकल के आएगी। वहीं अगर आपका 150 से ज्यादा आ रहा है, 150 से अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 150 mm से अगर ज्यादा निकल के आएगा तो ये आपका कितना आएगा? वेरी हाई वर्कबिलिटी में फॉल करेगा। अब इनके एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं कि किस वर्कबिलिटी का कंक्रीट कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका ब्लाइंडिंग कंक्रीट, सेलो सेक्शन, ये इनके लिए क्या होगा? वेरी लो वर्कबिलिटी हमको रिक्वायर्ड होती है। वही रीइंफोर्समेंट अगर कहीं पे आ जाता है तो आपका लो वर्कबिलिटी होगा, और हैवी अगर रीइंफोर्स आ जाता है तो आपका मीडियम वर्कबिलिटी होगा। इस तरह से आप इनके एप्लीकेशन को भी समझ सकते हैं। अब ट्रेमी पाइप में जो होगा, ट्रेमी पाइप में कैसे निकल के आएगा? ट्रेमी कंक्रीट जो होगा, ट्रेमी पाइप में यूज करेंगे वो कैसे निकल के? वेरी हाई वर्कबिलिटी रिक्वायर होगी। वेरी हाई वर्कबिलिटी यानी कि जो हमारा ट्रेमी पाइप सी में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कहीं पे चोक ना कर जाए हमारा कंक्रीट, इसलिए वहां पे वेरी हाई वर्कबिलिटी यूज करते हैं, जिससे कि आसानी से कंक्रीट हमारा नीचे फॉल कर जाए। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। सबसे पहले हमने देखा स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट में क्या करते हैं कि जो मीडियम टू हाई वर्कबिलिटी होता है उसके लिए भी सुटेबल होता है, बाकी जो और जो वेरी लो होते हैं या वेरी हाई होते हैं उनके लिए हमारा टेस्ट सुटेबल नहीं होता। इसलिए हमने दूसरा टेस्ट डेवलप किया, वो है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। इससे कौन से हम पता करते हैं? लो टू मीडियम, लो से लेके मीडियम जो वर्कबिलिटी होती है उनको अगर मेजरमेंट करना है, उनको एनालाइज करना है, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज लैब टेस्ट एंड यूज टू मेजर वर्कबिलिटी हैविंग लो टू मीडियम स्लम्प्स, यानी लो से लेके जो मीडियम स्लम्प्स होते हैं, लो से लेके मीडियम की जो वर्कबिलिटी के स्लम्प्स होते हैं उनके लिए ये टेस्ट सुटेबल है। अब इसमें करते क्या है, इसमें पहले आप कॉन्क्रीट लेते हैं, एक कॉन्क्रीट होता है जिसको हम एक चॉपर में से पास करते हैं, और नीचे आपको एक पार्शली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट मिलेगा, यानी कि उसमें कुछ हद तक क्या हो चुका हो, कुछ हद तक उसमें कॉम्पैक्शन हो चुका हो। वहीं पे एक दूसरा कॉन्क्रीट होगा जो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट होगा, यानी और उन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या निकल आएगा? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर निकल आएगा। और फिर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बेसिस पे ही उसकी वर्कबिलिटी को डिफाइन करेंगे, यानी कि इस रेंज में होगा तो ये वाली वर्कबिलिटी आएगी, दूसरी रेंज में होगा तो उस हिसाब से हम वर्कबिलिटी को देख लेंगे।
कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का जो रेशियो आप देख सकते हैं, वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड, यानी पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का और वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और नीचे एक आ जाएगा आपका फुली कॉम्पैक्टेड, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा। अब इस हिसाब से हमने वर्केबिलिटी को डिफाइन, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिखाया गया है, ये जो ऊपर होता है इसमें आप कॉन्क्रीट डालते हैं उसके बाद ये क्या करेगा नीचे फॉल करेगा, ये ट्रैप डोर है इसको साइड में करके नीचे फॉल कर जाएगा, फिर इसमें भी ट्रैप डोर लगा होता है और इसमें जब इधर साइड में कर देंगे उसके बाद नीचे फॉल कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो कंक्रीट मिलेगा उसको मेजरमेंट कर उसकी उसके वेट को मेजर कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमको क्या होगा एक पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट पता चल जाएगा और जो हमारा फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा वो उसका वेट हम अलग से मेजर कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी। अब हमने कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बेसिस पे वर्केबिलिटी को किस हिसाब से बता रखा है वो भी देख लेते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यानी 0.78, 0.78 होगा तो वेरी लो हो जाएगा आपका, और 0.85 अगर निकल के आता है तो आपका लो वर्केबिलिटी हो जाएगा, और 0.92, 0.95 आएगा तो मीडियम से लेके हाई तक। अच्छा अब इस एक पैटर्न को भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के यानी उसमें फ्लोइंग की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा आएगी, यानी कि हमारा कॉन्क्रीट अब ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसमें उस केसेस में क्या होगा, हमारा जो कॉन्क्रीट है इस लेवल से ज़्यादा फॉल भी तो करेगा, जब ज़्यादा फॉल करेगा तो हमको वैल्यू भी ज़्यादा निकल के आएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लो टू लो, मीडियम टू हाई, वेरी हाई, इस सबसे वेरी इंक्रीज कर रही है, उसी हिसाब से हमारी स्लम की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है, तो ये जो दोनों है कैसे प्रोपोर्शनल है, उसी हिसाब से हम इसके कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं कि एक कंक्रीट है जिसमें कि वाटर का कंटेंट अधिक है या कह सकते हैं स्ट्रिप कम है, तो हम क्या करेंगे उसकी वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगी, अच्छी वर्केबिलिटी निकलेगी, यानी जैसे जैसे वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हमको पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो वेट होगा वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के नियर बाई निकल के आएगा, यानी कि नियर अबाउट निकल के आएगा, तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वर्केबिलिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, वेरी लो से लो, लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई जा रहे हैं, उसी प्रकार कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यानी 0.78 ये भी क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। ये जो वैल्यू है हमारी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, और उसी हिसाब से हमारी वर्केबिलिटी क्या निकल के आ रही है इंक्रीज निकल के आ रही है, इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा ये क्या निकल के आएगा आपका प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, यानी जितनी ज्यादा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू होगी उसी हिसाब से उसकी वर्केबिलिटी भी क्या होगी अधिक होगी। ये हमने टेस्ट देख लिया, सबसे पहले हमने देखा मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन सा यूज करते हैं, मीडियम टू हाई के लिए स्लम्प टेस्ट हम यूज कर लेते हैं, और ये अब का कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने लो टू मीडियम स्लम्प्स के लिए कौन सा देख लिया, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, यानी कि लो से लेकर अगर मीडियम तक है हमारा स्लम्प तो हम यूज कर लेंगे क्या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वही मीडियम से लेकर हाई तक है, मीडियम से लेकर हाई तक है तो हम स्लम्प टेस्ट यूज कर लेंगे। उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट आता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, यानी कि हमने दो रेंज कवर कर लिए, कौन कौन सी रेंज कवर कर ली ये भी आप देख सकते हैं, हमने दो रेंज कवर कर ली, कौन सी लो टू मीडियम कवर कर ली और मीडियम टू हाई भी हमने कवर कर लिया। मीडियम टू हाई भी कवर कर लिया, अब हमारा जो बचता है वेरी लो टू लो बचता है और हाई टू वेरी हाई, यानी अब हमको दो रेंज की कंक्रीट बचते हैं, कौन कौन सी मीडियम टू हाई तो हो चुका है और लो टू मीडियम भी हो चुका है, तो वेरी लो से लेके लो तक और हाई से लेके वेरी हाई तक, यानी दो रेंज के जो हमारे कॉन्क्रीट है उनकी वर्केबिलिटी को हम किस कैसे निकालेंगे उनके लिए क्या, अभी आपके दो टेस्ट बाकी हैं उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, अब बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में क्या करते हैं वो भी देखते हैं। उसमें क्या होता है, ये हमारा जो डिवाइस आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे जो डिवाइस दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या करते हैं ऊपर जो ऊपर होता है इसमें हम कॉन्क्रीट को डालते हैं, और जब ये कॉन्क्रीट डालते हैं तो उसके बाद ये क्या करता है वाइब्रेट करता है, जब ये इसकी जो फ्रस्टम लाइक या कॉनिकल शेप जो भी शेप आपकी डालेंगे जिस प्रकार कॉन्क्रीट, उसके बाद ये क्या करेगा वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेट करने पे ये इसकी शेप किस प्रकार आएगी सिलेंड्रिकल आ जाएगी, तब ये सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेगा, तो जब सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर करने में कितना टाइम ले रहा है वही आपको क्या बताएगा वर्केबिलिटी बताएगा, कैसे बताएगा वो भी समझते हैं। अगर हमारा कॉन्क्रीट हार्ड है यानी स्टिप उसमें वाटर का कंटेंट अधिक कम है तो क्या होगा वो ज्यादा टाइम लेगा,
वो सिलेंड्रिकल शेप को अचीव करने में क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो इससे हमको पता चलेगा उसकी वर्कबिलिटी क्या है कम, और एक आपका कॉन्क्रीट ऐसा है जिसकी वर्कबिलिटी ज्यादा, तो वो आसानी से क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो जब आसानी से फ्लो कर जाएगा तो उसकी वर्कबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और टाइम वो लेगा कम लेगा। यानी कि यहाँ पे जो टाइम टाइम जो निकल का है, टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही हमारे क्या वर्कबिलिटी होगी, यानी वर्कबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू अचीव सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। यानी सिलेंड्रिकल शेप को अचीव करने के लिए हमारा जो कॉन्क्रीट है कितना टाइम ले रहा है, उस हिसाब से वर्केबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जो हमारा टाइम टेकन होता है उसी को बीवी डिग्री बोला गया है। अब हम इनकी डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। यूज टू वेरी लो टू लो, वेरी लो से लेके लो स्लम्स के लिए आपके यूज करते हैं हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शेप ऑफ कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम स्लम्प शेप टू सिलेंड्रिकल शेप, यानी स्लम्प की जो शेप रहेगी ऊपर डालेंगे उससे लेके आपकी सिलेंड्रिकल शेप, उसको क्या बताया गया, वीवी डिग्री बताया गया। तो वीवी डिग्री को हम यहाँ से समझ सकते हैं, और इसके बाद हमने इसके हिसाब से ही इसकी वर्केबिलिटी को बता रखा है। वो कैसे बता रखा है, एक आपका एक्सट्रीमली ड्राई फिर वेरी स्टिफ कंक्रीट इस प्रकार आपको दे रखा होगा। और इसके हिसाब से हमने क्या देखा, पहले तो हमने स्लम्प वैल्यू बताया, यहाँ पे स्लम्प वैल्यू कितनी होगी, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितनी है, और वीवी टाइम कितना होगा। ये आपका वेरी लो, यानी वेरी लो टू लो तक जो होगा आपका, इसके लिए आपका स्लम टेस्ट सुटेबल नहीं होता, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी होता है वो भी आपका सुटेबल नहीं होता। फिर आपका जो बीवी बीवी सेकेंड्स टाइम निकाला हमने, ये इनके लिए सुटेबल है। यानी कि 32 से 18 अगर सेकेंड्स आपको निकल के आ रहे हैं स्लम शेप से लेके सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने में, 32-18 सेकेंड अगर निकल के आ रहे हैं, यानी कि वो कॉन्क्रीट किस रेंज में लाई कर रहा है, एक्सट्रीमली ड्राई है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन एनर्जी होगी तब उसमें कॉम्पैक्शन आएगा, और उसके साथ वर्क करने में भी हमको प्रॉब्लम होगी, काफ़ी अधिक एनर्जी हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है बेरी स्टेप, यानी कि उसकी वर्केबिलिटी क्या थोड़ा उससे अधिक है। तो 18 से लेकर 10 सेकेंड जो होगा आपका, उसमें आपका बेरी स्टेप लाई करेगा। फिर 10 से लेकर 5, यानी 10 से 5 का, तो इसकी स्टेप यानी कि ये फिर धीरे धीरे मीडियम रेंज में लाई कर रहा है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं फ्लोइंग कंक्रीट होगा, फ्लाइंग कंक्रीट होगा तो उसमें उसके लिए ये टेस्ट सुटेबल नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम भी लगेगा तो बहुत कम लगेगा, तो बहुत कम ही समय वो क्या सिलेंड्रिकल शेप अचीव कर लेगा। या प्लास्टिक स्टेज में तो 3 से लेकर 0 सेकंड, इस प्रकार हमने इनको डिफाइन कर रखा है। ये आपका डिवाइस रहता है, यहाँ पे ये टेबल जो होती है वाइब्रेट करती रहती है, इससे क्या होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप ये एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका निकल के आता है फ्लोइंग टेस्ट। फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट में क्या होगा आपका जो हमारी लास्ट रेंज रह गई थी हाई से लेके वेरी हाई, हाई से लेके वेरी हाई वर्केबिलिटी की जो कंक्रीट है उनको उनकी वर्केबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमारा ये टेस्ट होता है, चौथा टेस्ट आपका फ्लो टेस्ट। तो इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इट इज लेफ्ट टेस्ट टू एंड यूज टू मेजर वर्केबिलिटी हैविंग हाई टू वेरी हाई स्लम्प, यानी कि हाई से लेके वेरी हाई स्लम्प की जो वैल्यू होती है उनको मेजरमेंट करने के लिए हमारा कौन सा आता है, फ्लो परसेंटेज आता है। अब फ्लो फ्लो परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, स्प्रेड डायमीटर सेंटीमीटर माइनस 25/25 × 100, यानी कि हमारा एक स्टैंडर्ड डायमीटर हो गया क्या 25 डायमीटर से कितना ज्यादा इसका स्प्रेड हो रहा है माइनस कर देंगे, उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं इसका प्रोसेस पहले आप समझिए, ये जो हमारा मोल्ड रहता है इसमें जैसे स्लम टेस्ट कंसीडर कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, उसी हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्क्रीड आउट कर देंगे, उसका इसको उठाएंगे, फिर उसको उठाएंगे तो जो अगर कंक्रीट जो हमारा उसकी अगर वर्केबिलिटी काफ़ी अधिक है तो क्या करेगा, ये फैलेगा हमारा कंक्रीट। उसके हिसाब से हम इसकी डाया को मेजरमेंट करेंगे, कितना लॉन्गेस्ट जो डायमेंशन आएगी वही आपको डाया हो जाएगी। तो कितना डायमीटर इसका निकल के आ रहा है, तो जो भी आपका डायमीटर निकल के आएगा उसको स्प्रेड डायमीटर बोलेंगे, स्प्रेड डायमीटर माइनस 25 कर देंगे और फिर डिवाइड बाई 25 करके आपका फ्लो परसेंटेज निकल के आएगा। अगर फ्लो परसेंटेज अगर काफी अधिक निकल के आ रहा है, यानी स्प्रेड डायमीटर यानी कि आपका जो हमारा कंक्रीट है वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी डायमीटर भी काफी अधिक होगी, इसका मतलब उसकी फ्लो परसेंटेज भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर फ्लो परसेंट अधिक है तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, और फ्लो परसेंटेज अगर कम निकल के आएगी यानी उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो कंक्रीट होता है ये किसके लिए सुटेबल होता है, हाइट से लेके वेरी हाई, हाई से लेके वेरी हाई जो वर्केबिलिटी के कंक्रीट होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है, उससे हम फ्लो परसेंटेज निकालते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है
इस प्रकार हमने चारों जो टेस्ट परफॉर्म कर ली, अब इनके क्लासिफिकेशन को भी हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आपकी रेंज आती है वेरी लो से लेके लो, वेरी लो टू लो, उसके बाद आती है आपकी लो टू मीडियम, उसके बाद आती है आपकी मीडियम टू हाई, और नेक्स्ट आपका आता है हाई टू वेरी हाई। इस प्रकार हमने चार टेस्ट परफॉर्म किए थे, एक इसके लिए रेंज थी, दूसरी ये रेंज थी, तीसरी ये, और चौथी ये रेंज थी। इस प्रकार हम चारों रेंज को समझ सकते हैं। अभी किसके लिए कौन सा टेस्ट था वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वेरी लो टू लो, वेरी लो टू लो में आपका कौन सा था, बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट था। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा लो टू मीडियम, लो टू मीडियम के लिए आपका कौन सा था, सबसे पहले आपका आता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, जिसके लिए वेरी लो टू लो हमको निकल के आता था, और मीडियम मीडियम टू हाई, मीडियम टू हाई आपका कौन सा आता था, स्लंप टेस्ट। और उसके बाद जो आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट था वो किसके लिए था, लो टू मीडियम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और इसमें जो आपका फ्लो टेस्ट था वो हाई के लिए था। अब इनके तीनों पैरामीटर को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप फ्लो परसेंटेज को निकालते हैं, यहाँ स्लम वैल्यू को निकालते हैं एमएम में, यहाँ पे आप कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बेसिस पे, और यहाँ पर आप वीवी कंसिस्टोमीटर क्या निकालते हैं, वीवी डिग्री यानी टाइम निकालते हैं। तो इन ये चार पैरामीटर है, इनके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, बर्क्यूबिलिटी निकालते हैं। अब कौन सा पैरामीटर किस प्रकार डिपेंड करता है इसको भी हम समझ सकते हैं। फ्लो टेस्ट अगर अधिक होगा तो बर्क्यूबिलिटी आपको अधिक मिलेगी, और कम होगा तो आपको कम मिलेगी। स्लंप वैल्यू अगर अधिक मिलेगी तो आपको वर्केबिलिटी अधिक मिलेगी, और ऐसा ही हम डिक्रीज में भी समझ सकते हैं। कॉम्पैक्टिव फैक्टर टेस्ट, जैसे कॉम्पैक्टिव फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसमें क्या होगा, वर्केबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। उसका हम सबसे पहले वीवी कंसिस्टोमीटर, वीवी कंसिस्टोमीटर में क्या था, आपका इन्वर्स था, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करेगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और वहीं पर आपका अगर टाइम हमारा डिक्रीज कर रहा है यानी कि हमारा उसकी जो वर्केबिलिटी है काफी अधिक है। इस प्रकार हम इन दोनों को समझ सकते हैं। और ये आपका लास्ट में लेटेस्ट जो टेस्ट है उसको भी हम समझ सकते हैं, केलीबाल टेस्ट। अब केलीबाल टेस्ट में क्या करते हैं, केलीबाल टेस्ट में करते हैं, इसमें हमको कॉन्क्रीट की जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो काफी अधिक होता है, तो इसमें कंक्रीट आपका अधिक मात्रा में होता है, और इसमें क्या कहते हैं, एक बॉल होती है जो इसके ऊपर फॉल करती है, इसके सरफेस पे हम टच करके छोड़ देते हैं, तो जब ये फॉल करती है उस पर तो क्या करेगा, अगर हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी स्टिफ कंक्रीट होगा, काफी हार्ड कंक्रीट होगा, तो उसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन हमको क्या मिलेगा, कम पेनिट्रेशन मिलेगा। वहीं हमारा एक कंक्रीट है जिसमें कि जिसकी वर्केबिलिटी अधिक है तो उसमें पेनिट्रेशन अधिक मिलेगा, यानी पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। वहीं एक कंक्रीट है जिसका वर्केबिलिटी क्या है, कम है, तो उसमें पेनिट्रेशन भी हमको कम मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो बाल है ये इस कंक्रीट की सरफेस पर रख देते हैं तो कितना पेनिट्रेशन आ रहा है, उस हिसाब से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडमिक्सर्स। एडमिक्सर्स, अब एडमिक्सर्स क्या होते हैं, जो हमारा कंक्रीट प्रिपेयर हो चुका है यानी कि हमने उसकी प्लेसिंग जो मिक्सिंग थी और बैचिंग थी वो हम सब कर चुके हैं, और लास्ट में आप जब प्लेसिंग करने जाते हैं तो उसमें क्या हो, जो भी प्रॉपर्टी उसमें होनी थी वो सब प्रॉपर्टी उसमें हो चुकी हैं, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी को हमको एनहेंस करना है यानी कि उसमें हमको और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देंगे, एडमिक्सर जिनको बोला जाता है, उससे क्या होगा, हमको जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रॉपर्टी होगी उसमें एनहेंस करने की वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि अगर ऐसे कि हमको कंक्रीट कहीं दूर स्थान पर मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हमको प्लेसिंग करानी है तो हमको टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर उससे कम टाइम रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, हमारा कंक्रीट है वो सेट कर जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा एडमिक्सर मिलाएंगे जो उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दे। अब सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दे यानी उसकी सीमेंट और वाटर की रिएक्शन है उसको क्या कर दे, कम कर दे,
तो उसकी जो स्लो डाउन कर दे, यानी कि हाइड्रेशन जो रिएक्शन होगी उसको स्लो डाउन कर देगी, तो हमारा सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अभी स्लो डाउन कर रहा है इसलिए हमने इसको रिटार्डर बोल दिया। और वहीं पे एक होता है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर यानी कि उसकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस उसको इंक्रीज कर दे, यानी कि सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर, यानी कि हमको जल्दी से हमारा कंक्रीट क्या हो जाए, स्ट्रेंथ अचीव कर ले, स्ट्रेंथ नहीं, जल्दी से हमारा कंक्रीट जो है सेटिंग हो जाए उसकी। तो इस प्रकार हमको अलग अलग प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम समझ लेंगे, उन्हीं को एडमिक्सचर्स बोला गया है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केमिकल एडमिक्सर, एक होता है मिनरल एडमिक्सर, यानी जो हम जो भी केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो केमिकल एडमिक्सर हो जाएंगे भाई, हमको एक नेचुरली मिलते हैं तो उनको बोला गया है यहाँ पे क्या, मिनरल एडमिक्सर। मिनरल एडमिक्सर में यानी कि जो भी आपकी नेचुरल सब्सटेंस है, यानी जैसे फ्लाई ऐश हो गया, आपका सुरखी हो गया, पोजोलाना हो गया, ये सब जो हम यूज करते हैं ये आपके मिनरल एडमिक्सर में आते हैं। और एक आपका आता है केमिकल एडमिक्सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल एडमिक्सर में आपके पोजोलाना, सुरखी, ब्लास्ट फर्नेस, और केमिकल एडमिक्सर में जो आपके आते हैं प्लास्टिसाइजर, एक्सीलेटर, रिटार्डर, एयर इंटेनर। अब सबसे पहले केमिकल एडमिक्सर जो पहली कैटेगरी आती है वो प्लास्टिसाइजर आती है, उसको देखते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या है, अब इसके नाम से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। प्लास्टिसाइजर यानी ये क्या करे, कंक्रीट की प्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर देगा। प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कितना आसानी से बर्क कर सकते हैं, यानी कितना प्लास्टिक है उसमें, तो उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज कर देगा। यानी कि अगर उसके वाटर का कंटेंट का हम इंक्रीज करें, आप प्लास्टिसाइजर को साइड में रखिए, अगर आप वाटर का कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी। तो ये क्या करेगा, वाटर का कंटेंट को इंक्रीज नहीं करेगा, जो भी वाटर हमारा कॉन्क्रीट में है उसी की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, यानी उतने ही वाटर में अच्छी प्लास्टिसिटी देगा हमारी प्लास्टिसाइजर। अब ये प्रोसेस किस प्रकार होती है हम वो भी समझ लेते हैं। जैसे ये आपके कॉन्क्रीट के पार्टिकल्स हैं, जैसे ये आपके कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, वाटर इंट्रैप होता है। तो ये जो हमारा प्लास्टिसाइजर होती है इनकी एक्शन को आप समझिए, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप प्लास्टिसाइजर को ऐड करेंगे तो ये कंक्रीट के पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या कर लेंगे, एक सेम सेम चार्ज की एक लेयर्स बना लेंगे। जब सभी पे सेम चार्ज आ जाएगा, मान लेते हैं कि निगेटिव चार्ज सभी पे आ जाता है, जो सभी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में क्या रिपल्सन चालू हो जाएगा। तो रिपल्सन चालू होगा तो जो अंदर वाटर इंट्रैप बाहर आ जाएगा और आगे की रिएक्शन में ये हमारा यूज हो जाएगा। तो जो भी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन होगी उसमें ये वाटर यूज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट को ये हमारा प्लास्टिसाइजर है, वाटर की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो है उसमें अच्छी वर्कबिलिटी देगा, प्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर देगा, ये वगैरह प्रोसेस निकल के आती है। और ये ऑब्वियसली बात, जब आप वाटर उतने ही वाटर में आपको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इट इम्प्रूव प्लास्टिसिटी इन फ्रेश कॉन्क्रीट और इट इम्प्रूव वर्कबिलिटी फॉर गिवन रेशियो, और हायर स्ट्रेंथ देगा और वाटर की रिक्वायरमेंट को 10% तक, वाटर की रिक्वायरमेंट को 10% तक कम कर देगा। यानी अगर आपको 40 लीटर तक वाटर की रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉन्क्रीट के वर्क में, तो आपको यानी कि 40 लीटर तक आपको इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम कर देगा। तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, लिग्नो सल्फोनिक एसिड जो होते हैं हमारे और हाइड्रोक्लेटेड एसिड जो होते हैं, ये सब प्लास्टिसाइजर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर यानी प्लास्टिसिटी की जो भी वर्किंग है उससे ये और बेहतर वर्जन, यानी प्रो वर्जन है ये, उससे भी अच्छे वर्क करके देगा और प्लास्टिसिटी को और ज्यादा इंड्यूस करेगा। और बैटरी रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, जो भी प्रॉपर्टी आपकी प्लास्टिसाइजर कर रही थी उनसे ये क्या है, एक एडवांस वर्जन है। तो जो भी वाटर रिक्वायरमेंट अगर वो 10% कर रहा है, तो वहीं पे ये वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा, 20 से 40% तक रिड्यूस कर देगा। सिमिलर इन एक्शन टू प्लास्टिसाइजर, दे प्रोड्यूस क्या करेगा, फ्लोइंग कंक्रीट, यानी फ्लोइंग कंक्रीट यानी कि अब हमारा कंक्रीट और फ्लो करेगा, यानी वर्केबिलिटी को और ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इसकी भी जो एक्शन होती है वो भी आपकी प्लास्टिसाइजर की तरह ही होती है। सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, कंडेंसेट्स और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आप समझ सकते हैं। रिटार्डर्स आपको बता दिया कि रिटार्डर क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे, स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन, और इससे क्या होगा, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा और इनिशियल सेट जो स्ट्रेंथ हमको गेन हो रही थी वो टाइम लगेगा उसमें, मतलब उसको भी टाइम डिले कर देगा, ये समझ लीजिए। इसके भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, टार्टरिक एसिड फॉस्फेट जो होते हैं हमारे शुगर जो होती है शुगर, तो शुगर क्या करती है, हमारे सेटिंग जो भी रिटार्डर की तरह एक्ट करती है और सेटिंग टाइम क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। इसी प्रकार आपके रिटार्डर हो गया, इसी प्रकार आपका आता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या करेगा, बूस्ट कर देंगे केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, NaCl, NO2, NaOH, इनके भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एयर इंट्रेनर्स।
अब एयर इंटरनर्स क्या होंगे, एयर बबल्स को उसमें इंटर करा देंगे, इससे क्या होगा हमारा कंक्रीट का क्या होगा, एयर बबल्स आ जाएंगे तो हमारी वर्केबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और इससे क्या होगा हमारा कंक्रीट हमारा जो होगा लाइट वेट भी हो जाएगा, और क्या होगा इसमें थर्मल इंसुलेशन आ जाएगा, यानी टेम्परेचर को इधर से उधर नहीं जा पाए। तो इसी प्रकार हम एयर इंटरनर्स यूज करते हैं, इससे क्या होगा एयर बबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, इट इंट्रोड्यूस एयर फॉर्म ऑफ टेनी बबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इंप्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देगा, रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो हमको प्रोसेस आ रही थी उसकी वजह से ये क्या कर देगा, कम कर देगा, और क्या करेगा एयर इंटरनर्स की वजह से हमारा जो थॉइंग और फ्रीजिंग की जो प्रॉपर्टी आ रही थी, यानी हमारा जो कंक्रीट है वो जम रहा था या पिघल रहा था, तो जिसका जो वाटर था मतलब जो भी फ्रीज हो रहा था उसकी वजह से क्या, अब आप एयर आ गई तो एयर तो फ्रीज या थॉइंग के एक्शन में तो क्या होगा कंप्रेस भी हो जाएगी और एक्सपेंड भी हो जाएगी, तो वो आपको कंक्रीट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। इसी प्रकार तो ये क्या है आपको फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करा देता है, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, और जो आपके हमारे मिनरल एडमिक्सर रहते हैं पोजोलाना, इसको हमें एक मिसलेनियस पोजोलाना रहता है, यानी फ्लाई ऐश रहता है, जो भी पावर प्लांट होते हैं वहाँ से आपको फ्लाई ऐश मिलती है, पोजोलाना होता है, सुर्खी होता है, ब्लास्ट फर्नेस लेग, यानी आयरन इंडस्ट्री से जो ब्लास्ट फर्नेस लेग मिलते हैं उनको भी हम क्या करते हैं मिनरल एडमिक्सर की तरह यूज कर लेते हैं, उससे भी हमारी कई प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, जैसे वर्केबिलिटी हो जाते हैं और उसमें श्रिंकेज क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि ड्यूरेबिलिटी को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो कितना कितने लंबे समय तक चलेगा, यानी उसका टिकाऊपन कितना है, कितने समय तक वो चल सकता है, उसकी एज कितनी है, यानी उसकी डिजाइन लाइफ कितनी, ये सब ये जो टर्म यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी, इट इफ कंक्रीट सर्व इट्स पर्पज, यानी कि कंक्रीट जो हमारा पर्पज को फुलफिल कर रहा है फॉर इंटायर डिजाइन लाइफ इट इज सेट टू बी ड्यूरेबल, यानी कि आपकी वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन कुछ कैसी भी हो उस केसेस में आपका जो हमारा कंक्रीट है वो किस प्रकार बिहेव कर रहा है अपनी डिजाइन लाइफ, यानी उसकी जो भी डिजाइन लाइफ रहती है 50 इयर्स 60 इयर्स उसके हिसाब से हमारा कंक्रीट है कितना ड्यूरेबल है उसको हम देखेंगे। तो अगर जैसे हमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया 100 साल के लिए तो वो अगर 100 साल तक सर्व कर रहा है यानी कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या अधिक है, और वहीं पे उससे अगर पहले फेल हो जा रहा है यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी है डिक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर गई है, उसके लिए कई फैक्टर्स हमारे जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर सल्फर अटैक हो गया है या एसिड्स आ गए उसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी क्या करेगी अफेक्ट कर जाएगी। तो वही हम देखेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपको बता दिया यानी कि वो एंटायर डिजाइन लाइफ में किस प्रकार वो अपनी सर्विस दे पा रहा है, इफ कंक्रीट सर्व इट्स पर्पज फॉर एंटायर डिजाइन लाइफ इट इज सेट टू बी ड्यूरेबल, और उसके हम देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी के फैक्टर्स को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, तो आपका आता है परमेबिलिटी और उसके बाद आता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग, यानी परमेबिलिटी, अब परमेबिलिटी को हम पहले समझते हैं, परमेबिलिटी यानी कि हमारा जो वाटर उसमें आ रहा है कंक्रीट पर पड़ रहा है वो कितना नीचे परमिट हो पा रहा है, यानी कि हमारा कंक्रीट कितना परमिट कर रहा है, अगर परमेबिलिटी कम है यानी कि हमारा वाटर उसमें से बहुत कम पास आउट हो पा रहा है तो हमारा कंक्रीट यानी कि डेंस है, तो इससे क्या होगी हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो वाटर अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा और उससे बाहर कोई केमिकल्स नहीं लाएगा, तो इससे क्या होगा हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। तो परमेबिलिटी अगर कम है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, परमेबिलिटी अगर कम है हमारी तो उससे ड्यूरेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी, वहीं अगर परमेबिलिटी ज्यादा यानी कि उसमें वाटर का इंटर ज्यादा हो रहा है तो उससे ड्यूरेबिलिटी क्या होगी आपकी कम निकल के आएगी। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब है फ्रीजिंग एंड थॉइंग यानी कि जो भी हमारा कंक्रीट है वो कितना फ्रीज हो रहा है यानी जम रहा है एंड थॉइंग यानी पिघलना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग यानी जमना और पिघलना, तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग अगर आपको मिल रहा है वहाँ पे तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज कर जाएगी, उससे क्या होगा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलेगा और श्रिंकेज मिलेगी, तो हमारी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी उसमें क्रैक जो प्रॉब्लम होगी वो डेवलप हो जाएगी, इससे हमारी ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। सल्फेट अटैक यानी कि सल्फर का वहाँ पे एंटर हो रहा है कि नहीं, अगर वहाँ पे सल्फर आ गया तो सल्फेट अटैक करेगा उससे हमारा कंक्रीट क्या होगा एक्सपेंड कर जाता है यानी वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाता है, उससे भी हमारी क्या ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट आएगी, क्यों, क्योंकि उससे वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे और उसमें वाटर इंटर कर जाएगा क्रैक्स के थ्रू तो अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। तो सल्फेट अटैक हमने देख लिया, एसिड एंड ऑयल यानी एसिड और ऑयल अगर आ जाते हैं तो वो भी हमारे कंक्रीट क्या करेंगे इफेक्ट डालेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है सीवेज,
यानी सीवेज से भी क्या मिलेगी उसको, सल्फर मिलेगी। तो अगर कहीं पर सीवेज है तो उससे सल्फर आएगी, उससे भी हमारे कॉन्क्रीट को क्या करे अफेक्ट डालेगी। इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, आपको बताया था सीमेंट में सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट को कहाँ यूज करते हैं, सीवेज वाली जगह पे। क्रॉस सेक्शन यानी कि कितना हमारा कोल्ड एनवायरमेंट है उस पर भी ये डिपेंड कर जाएगा। हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है क्रैक। तो क्रैक्स क्या होता है, जो मतलब अनसाउंड मटेरियल्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे उसके वॉल्यूम में हमको चेंजेस मिले। वॉल्यूम चेंजेस यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी कर, यानी एक्सपेंशन भी हो सकता है और श्रिंकेज यानी सॉयलिंग श्रिंकेज ये सब मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो उसमें क्रैक्स जब डेवलप हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा या कोई केमिकल आ रहा है वो भी आसानी से अंदर इंटर कर जाएगा। तो जब इंटर कर जाएगा तो अंदर क्या होगा, अंदर भी और जो एग्रीगेट होंगे उनके साथ रिएक्शन रिएक्शन करेगा, और जो सीमेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हमको उसमें एक्सपेंशन मिलेगा जो कि हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को, जो भी फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेंथ होते हैं उसकी लाइफ होती है उन पर ही काफ़ी इफेक्ट डालेगा। तो उसके लिए हम क्या कंक्रीट के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। क्या इट अकर्स ड्यू टू अनसाउंड मटेरियल्स, यानी अनसाउंड मटेरियल्स, फ्रीजिंग एंड थर्मल इफेक्ट्स, हाई वाटर सीमेंट रेशियो। इसके जो मेजर रीजन दिए गए वो आप समझ सकते हैं। अनसाउंड मटेरियल, अनसाउंड मटेरियल आपको सीमेंट में भी बताया गया था। अनसाउंड मटेरियल यानी कि जो क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंजेस को रोक ना सकें। तो वॉल्यूम चेंजेस रोक ना सकें यानी कि वॉल्यूम चेंजेस कराते हैं, जो ऐसे मटेरियल जो वॉल्यूम चेंजेस अगर करेंगे तो उनकी वजह से आपको मिलेगा क्रैक्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीजिंग एंड थर्मल इफेक्ट। फ्रीजिंग एंड थर्मल इफेक्ट में भी बताया गया, यानी फ्रीजिंग जब होगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर आपका फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने पे क्या होगा, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से 7% मोर देन होता है। तो इससे क्या होगा, तो जब भी फ्रीजिंग आएगा तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। थर्मल इफेक्ट आएंगे तो यानी टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। तो जब फ्रीजिंग एंड थर्मल इफेक्ट आपको देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी क्रैक्स क्या होंगे, वॉल्यूम चेंजेस होंगे, तो वॉल्यूम चेंजेस के आपको क्रैक्स मिलेंगे। हाई वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि अगर वाटर का कंटेंट आपने कर दिया हाई कर दिया, वाटर का कंटेंट अगर हाई कर दिया तब भी आपको क्रैक्स मिलेंगे, यानी वाटर आप इवेपोरेट कर जाएगा तो उसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो मेजर रीजन होते हैं इसके लिए हम समझ सकते हैं अनसाउंड मटेरियल, थर्मल इफेक्ट और क्या उनसे हाई वाटर सीमेंट रहती। इससे क्या होगा, इट रेड्यूस ड्यूरेबिलिटी, यानी इससे ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रैक्स विजुअल हो रहे होंगे। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये ही क्रैक्स है। इससे क्या होगा, आपका वाटर आटर होगा वो भी सब क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। और इसकी एक रेंज भी दे रखी है, अगर कितनी रेंज में होना चाहिए तो ये हमारे लिए सेफ है, अदरवाइज इसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ क्रैक विद इज 0.1 से लेके 0.3 mm, यानी 0.1 से 0.3 mm के बीच में तब तो ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इफ्लोरसेंस आप देख सकते हैं, इफ्लोरसेंस क्या होता है, इफ्लोरसेंस होता है जब हमारा वाटर होता है रेन की वजह से कहीं से भी वाटर आ रहा है तो वो अगर कंक्रीट में इंटर करके उसमें से कुछ केमिकल्स बाहर ले आता है। तो जब उसमें जो भी वाटर में सॉल्युबल लिक्विड्स होंगे, डिसॉल्व्ड कंपोनेंट जो भी होंगे, तो वो क्या होंगे, वाटर सारे सॉल्युबल हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। तो बाहर जब निकल आएंगे तो वाटर जो होगा वो तो या तो इवेपोरेट कर जाएगा या फिर हट जाएगा। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे डिसॉल्व कंपोनेंट्स जो यानी उससे सॉल्युबल होकर बाहर निकल के आएंगे तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, व्हाइट पैचेस बना लेंगे। तो व्हाइट पैचेस जब बना लेंगे तो अंदर क्या करेंगे, अंदर तो वो एक वॉइड्स क्रिएट करके आ जाएंगे, यानी कि हनीकॉम्बिंग हो जाएगी। तो जब वाटर अंदर पेनिट्रेट किया उसमें से कुछ सॉलिड्स जो है यानी कि जो भी सॉल्युबल कंपोनेंट्स है उनको सॉल्व करके बाहर ले आता है, और वाटर जब इवेपोरेट कर जाता है तो वहाँ पे व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, उसी को क्या बताया गया है आपको, इफ्लोरसेंस। अपीयरेंस ऑफ व्हाइट फ्लफी पैचेस ऑन कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट की सरफेस में व्हाइट फ्लफी पैचेस जो आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि साल्ट लीच आउट एंड डिपॉजिट्स ऑन सरफेस। साल्ट जो होते हैं आपको NaCl होता है आपको, और जो आपको NaOH जो होता है आपका, KOH जो भी होता है, सोडियम और पोटेशियम जो भी आपके साल्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, वाटर साथ सॉल्वल हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो जब वाटर आपका इवेपोरेट कर जाता है तो इस प्रकार आपने कंक्रीट में देखे होंगे, कंक्रीट या सीमेंट में भी ये व्हाइट फ्लफी पैचेस हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा ये जो पैचेस दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है, इफ्लोरसेंस क्रिएट करते हैं। ये भी अंदर क्या करेंगे, अंदर ये वॉइड्स क्रिएट कर देते हैं, इस वजह से ये क्या, ये भी हमारी स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ड्यूरेबिलिटी क्या करेंगे, ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट डालेंगे, ड्यूरेबिलिटी कम कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है डिफेक्ट, इन्हीं डिफेक्ट्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिग्रीगेशन। अब सिग्रीगेशन क्या होता है, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट और पेस्ट, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट और पेस्ट जो होते हैं सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, अब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये सब ये प्रॉब्लम कब निकल के आती है,
जैसे कि आप कंक्रीट को किसी एक दूर हाइट से फेंक रहे हैं, जैसे जो भी मेंशन होगा या लेबर होगा, तो वो जब कंक्रीट को फेंकेगा तो आपको एक नियर डिस्टेंस से फेंकना चाहिए। अगर आप लंबी डिस्टेंस से फेंक रहे हैं, यानी कि आप किसी रूप से फेंक रहे हैं, तो क्या होगा उसमें कंक्रीट जो आएगा तो वो अपने वेट की वजह से सब कुछ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि जो जो भी कोर्स एग्रीगेट होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा, वही आपका पेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा, और फाइन एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा। इससे क्या होगा, उनकी जो यूनिफॉर्मिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उनका सही से मिक्सर हमको नहीं मिलेगा, सही से उनकी जब कंपोनेंट सब कुछ अलग अलग मिलेंगे तो उसकी इससे उनकी स्ट्रेंथ को भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। वही यहाँ पे बताया गया जब कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट और पेस्ट तीनों अलग अलग रहते हैं, कॉज रीजन क्या है, ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट्स, हाइट से हम उसको फेंकते हैं, जब एक किसी हाइट से फेंकते हैं तो क्या होगा सभी कंपोनेंट्स आपको अलग अलग हो जाते हैं। एक्सेसिव वाइब्रेशन, अब जब हम वाइब्रेशन अलग अधिक कर देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बड़ा एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है उससे फाइन एग्रीगेट है, फिर ये आपका उससे फाइन एग्रीगेट है, और इसका जो पेस्ट टेस्ट है सब कुछ क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो निकल के आती है उसी बोला जाता है सीग्रीगेशन। इसीलिए आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस से कंक्रीट को फेंकना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट आपका आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग को लेटेंस भी बोला गया। ब्लीडिंग क्या होता है, जैसे आप कंक्रीट होता है उसमें आप अगर वाइब्रेशन अधिक कर देंगे, वाइब्रेशन अधिक यानी कॉम्पैक्शन काफी अधिक कर देंगे, तो काफी अधिक कॉम्पैक्शन करने पर क्या होगा, आपका वाटर जो होगा वो बाहर निकल आएगा, जैसे इसमें देख सकते हैं। तो जब वाटर क्या है, ये सब बाहर निकल आता है, जब ये बाहर निकल आएगा तो अंदर क्या कर देगा, वॉइड्स क्रिएट कर देगा, जब ये बाहर हमारा वाटर देखने को मिलेगा, इसी प्रॉब्लम क्या बोला गया, ब्लीडिंग बोला गया। जब पानी आपका क्या निकला है, बाहर निकला है, इस प्रॉब्लम क्या बोला गया, ब्लीडिंग। When mixing water flows out from the surface from freshly placed concrete is usually due to excessive vibrations. ज़्यादा vibrations की वजह से to achieve full compaction. Full compaction को achieve करने के बावजूद तो हमको क्या मिलेगा, जो concrete में water क्या होगा, आपका बाहर निकल आएगा, उसी क्या बोला गया, bleeding. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या आपको पता होना, कंक्रीट जो है अब वो आपका एक क्या है, एक टेंसाइल मटेरियल नहीं है, एक क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको उसको खींचते चले या कंप्रेस करते हैं तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, ऐसा नहीं। ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल, यानी ये आपका क्या तुरंत ब्रिटल हो जाएगा, तुरंत कई पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर, कंक्रीट स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो होगा इज नॉन लीनियर होगा, और कंक्रीट जो होगा इज ब्रिटल, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, कंप्रेशन क्योंकि इसमें मेजरली क्या हम कंप्रेशन को ही स्टडी करते हैं, जबकि टेंशन में ये क्या होता है, काफी वीक होता है। तो जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन में देखने को मिलता है वो होता है EC इक्वल टू 5000 रूट FC के। FC को आपको बताया जाता है, ये क्या होता है, FC के करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है उस हिसाब से हम देखते हैं। इसका जो पॉइजन रेशियो आएगा, पॉइजन रेशियो यानी कि जो आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो निकल का आएगा, पॉइजन रेशियो वेरीज इन बिटवीन 0.1 टू 0.3, यानी 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में ये लाई करेगा। अब इसका ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, स्ट्रेंथ को दिखाया गया है, और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कंप्रेशन होगा, पहले कंप्रेशन को ही मिश्री करते हैं क्योंकि टेंशन भी काफी बिग होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्ट्रेन में तो दिखेगा लेकिन स्ट्रेस में ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इसका डिक्रीज करने लगेगा, और फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रेन एट मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे है, इस मैक्सिमम स्ट्रेस के पॉइंट पे हमको जो स्ट्रेन मिल रही है वो इस रिप्रेजेंट किया गया। पीक कंप्रेशन स्ट्रेस यानी कंप्रेशन स्ट्रेन की मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पे FCU से रिप्रेजेंट की गई, और इससे जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे है जो आपका स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार निकल के आता है। और इसी में आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो भी देख लेते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का जो स्पेशल टाइप्स होते हैं, कंक्रीट के कुछ जैसे सीमेंट के हमने कई टाइप्स देखे थे, उसी प्रकार हम कंक्रीट के भी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है लाइट वेट और फॉर्म कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट का क्या होगा, लाइट वेट होगा। अगर आप समझ सकते हैं लाइट वेट और फॉर्म कंक्रीट, यानी कि इसका वेट भी क्या कम निकल के आएगा। अब ये कैसे होगा, जब हम इसमें एयर इंटरनिंग एजेंट,
यानी ईयर इन ट्रेनिंग एजेंट को हम क्या कर देंगे, इंटर करा देंगे, तो उसमें क्या होगा, ईयर बबल्स आ जाएंगे, तो इससे क्या होगी आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन उसका वेट क्या होगा, लाइट वेट। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमको ज्यादा लोड लोड नहीं आता है, जैसे फॉल्स सीलिंग होती है, सीलिंग के नीचे जो एक फॉल्स सीलिंग और होती है लाइटिंग आइटिंग की वजह से लगाते हैं, तो उस जगह पे हम ये क्या, ये कंक्रीट यूज कर सकते हैं जो आपका लाइट वेट कंक्रीट होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग फॉर्मिंग और एयर इंटरनिंग विद स्लरी ऑफ सीमेंट। स्लरी ऑफ सीमेंट क्या कर देंगे, एयर इंटरनिंग एजेंट को हम इंटर करा देंगे। ये फॉर्मिंग एजेंट्स लार्ज नंबर ऑफ मिनट कई जो आपके बबल्स होते हैं उनको इंटर करा देते हैं, उस प्रकार आप समझ सकते हैं लाइट वेट कॉन्क्रीट। ये आपको दिख रहा होगा लाइट वेट कॉन्क्रीट जो होता है वो भी हम यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपको लाइट वेट फॉल सीलिंग, लाइट वेट पार्टीशन बार्स में, पार्टीशन बार्स जो होती है उनमें हम इनको यूज कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट आता है आपका एरेटेड कंक्रीट। एरेटेड कंक्रीट का भी समझ लेते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्सेरियस और सिलिसियस मटेरियल। कैल्सेरियस सिलिसियस मटेरियल आपको पहले पहले यूनिट में आपको बताया गया था, लाइक सीमेंट, लाइम, पल्वराइज एंड इनको हम जो ईटीसी बाय इंट्रैपिंग एयर सेल्स। जब इसमें एयर सेल्स को हम इंट्रैप कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एयर सेल्स को हमने एयर इसमें क्या इंटर करा दी है, उन्हीं को कहा गया एरेटेड कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हैवी वेट कंक्रीट। इसमें ऐसे एग्रीगेट यूज करते हैं जो हैवी वेट एग्रीगेट होते हैं, तो हैवी वेट कंक्रीट ये ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और इनका जो क्या हुआ वेट भी काफी अधिक होगा। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पेशली हैवी वेट एग्रीगेट एंड बाय कॉम्पैक्टिंग वेल। दिस कंक्रीट कैन बी सुटेबली यूज्ड फॉर ग्रेविटी डैम्स, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन, एटॉमिक पावर प्लांट वेसल, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमको क्या होगा ज्यादा लोड आ रहा है या जहाँ पर हमको ज्यादा स्ट्रेंथ यानी ज्यादा डेंस कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट जो होगा उसमें क्या होगा आपका रेडिएशन निकलेगा, तो कम से उस रेडिएशन को ज्यादा ज्यादा रोक सके, तो ऐसा कॉन्क्रीट होना चाहिए वहाँ पे तो डेंस कॉन्क्रीट हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा ग्रेविटी डेंस, यानी यहाँ पे क्या होगा वाटर का लोड आएगा, रिटेनिंग बल्स जो कंस्ट्रक्शन होगा, एटॉमिक पावर प्लांट वेसल्स होगा, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं हैवी वेट कंक्रीट को यूज करते हैं। प्री पैक्ड कंक्रीट क्या होता है, इट इज ऑब्टेंड बाय इंजेक्टिंग सीमेंट सैंड एंड मोर्टर अंडर प्रेशर टू फिल। प्री पैक्ड कंक्रीट होता है यानी कि कहीं पे क्रैक्स वैक्स आ जाते हैं वहाँ पे हमने कंक्रीट को फिलअप करना है, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं प्री पैक्ड कंक्रीट यूज करते हैं। दिस कंक्रीट इज क्वाइट डेंस एंड इज वेरी स्मॉल श्रिंकेज। इट इज ऑप्टेड बाय इंजेक्टिंग सीमेंट सैंड एंड मोर्टर अंडर प्रेशर टू फिल वॉइड्स ऑफ ऑलरेडी पैक्ड एंड फुल्ली कॉम्पैक्टेड कोर्स एग्रीगेट। फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट इसको भी हम समझ सकते हैं, फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट यानी कि ऐसा कंक्रीट जिसमें क्या रीइंफोर्समेंट कर दिया इसका फाइबर का, यानी कंक्रीट में हमने कुछ फाइबर्स डाल दिए तो वो जो कंक्रीट मिलता है हमको वही, अलॉन्ग विद मैन एग्रीगेट जो भी मैन एग्रीगेट कंक्रीट के रहेंगे, डिस्क्रीट फाइबर्स आर ऑल्सो एडेड, यानी कुछ हम फाइबर्स को ऐड कर देते हैं FRC, इसको FRC बोल सकते हैं शॉर्ट में, FRC इज टफर एंड मोर रेसिस्टेंट टू इम्पैक्ट, यानी कि आपका टफ भी होगा और आपका क्या होगा रेसिस्टेंट इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट को रेसिस्टेंट को भी झेल पाएगा, तो यानी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को अगर इनहेंस ही करना है तो उसमें रीइंफोर्समेंट कर देते हैं, कुछ वायर डाल देते हैं, आयरन वायर डाल देते हैं, उससे क्या होगा हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या हो जाए इंक्रीज कर जाएगी। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कंक्रीट के कई प्रकार भी होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कंक्रीट की प्रिपरेशन जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखा, उसमें डिफेक्ट्स भी देखे, उसकी जो मेन में प्रॉपर्टीज होगा उनको भी हमने अलग अलग एनालाइज किया, टाइप्स ऑफ कंक्रीट भी देख लिया, इस प्रकार डेंसिटी बेसिस जो भी था और जो आपके टाइप ऑफ कंक्रीट थे उनको भी डिस्कस कर लिया। इस प्रकार हमारा जो कंक्रीट का जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कंक्रीट के जो आपके चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर आपका ब्रिक स्टार्ट होगा, वो भी आपको कल से कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।